नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, जेएमएम के झारखंड दिवस में 1932 के खतिया अधिनियम की छठी मांग, 47 राजनीतिक प्रस्ताव पारित। बैठले के कोरोना काल के बाद 2 फरवरी 2023 को प्रमंडल स्तर पर राजधानी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां झारखंड दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 1932 के खातिया आधारित स्थानीयता घोषित करने, उपराजधानी दुमका में हाईकोर्ट के खंडपीठ स्थापित करने समेत 47 सूची प्रस्ताव पारित कर सरकार की कार्यसूची में प्राथमिकता से शामिल करने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की शान महेंद्र सिंह धोनी का नया अवतार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजय की महेंद्र सिंह धोनी रांची की ही नहीं झारखंड की आन बान और शान है। रांची के राजकुमार के नाम से मशहूर कैप्टन उनको आपने अब तक कई अवतार में देखा होगा, लेकिन उनके फैंस के हर रूप में पसंद करते हैं। टीम इंडिया को शिखर पहुंचाने वाले इस क्रिकेटर के खेल के दो लोग दीवाने हैं ही। इसे अगर कुछ करते हैं तो लोग उसे भी काफ़ी पसंद करते हैं। धोनी को फौजी के रूप में हम सब देख चुके हैं, जबकि सबके प्रिय माही का वह डायलॉग आप भी आज तक नहीं भूले होंगे, जिसमें वह कहते हैं हम किसी के माही वाही नहीं, हमका चाहिए बदला। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया फोटो वायरल हो रहा है महेंद्र सिंह धोनी का। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, 10 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे लोग आधी रात को सुन रहे हैं हेमंत सोरेन के भाषण। जी हाँ दोस्तों, दुमका का तापमान 10 डिग्री तक है, 10 डिग्री तक गिर चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे रहे हैं, उनको सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे हुए थे। सर्द मौसम में आधी रात को भी हजारों लोग झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का भाषण सुन रहे हैं। तो यही एक बड़ी खबर क्या रही है, धनबाद कोयम्बटूर धनबाद 27 ट्रेन रांची के रास्ते चलेगी। ट्रेन संख्या 03357 धनबाद कोयम्बटूर 27 एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन वाया रांची दिनांक 5 फरवरी 2023 से दिनांक 26 मार्च तक प्रत्येक रविवार को 6 बजे धनबाद से प्रस्थान करेगी तथा मंगलवार को 4 बजे कोयम्बटूर आगमन होगा। ट्रेन संख्या 03358 कोयम्बटूर धनबाद 27 एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन वाया रांची दिनांक 8/2/23 से दिनांक 29/3/23 तक प्रत्येक बुधवार को 00:50 बजे कोयम्बटूर से प्रस्थान करेगी तथा गुरुवार को 22:30 बजे धनबाद पर आगमन करेगी। दूसरी ओर जनवरी में रिकॉर्ड गर्मी, फरवरी में बड़ी सर्दी, 24 घंटे में इतना गिरा पारा। पता चले कि झारखंड में जनवरी के महीने में काफ़ी गर्मी का दशक देखने को मिला, लेकिन पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, लेकिन सर्दी के बाद फिर लौट आई है। पछुआ हवा की वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड की राजधानी रांची का तापमान 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। लोहर नगरी जमशेदपुर के तापमान में 4.5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। डाल्टनगंज में पारा में 3.3 डिग्री की कमी आई है। आने वाले दिनों में झारखंड का तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो झारखंड में PDS का पकड़ा शुरू, जरूरतमंद लाभों को मिलेगा नया राशन कार्ड। बदले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड में अन्न के अधिकार से वंचित जरूरतमंद लाभों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति में तेजी आएगी। इसके लिए PTS सत्यकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्यभर में 1 से 14 फरवरी 2023 तक किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड में आधार संबंधित कार्य एवं व्यक्ति का कई राशन कार्ड में दर्ज नाम को हटाने की कार्यवाही, राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों का नाम हटाने, अपवाद पंक्ति से खदान प्राप्त करने वाले लाभों को चिन्हीकरण की कार्यवाही और डुप्लीकेट आधार कार्ड संख्या का सत्यापन, 6 महीने या आधे समय से खाता उठाव नहीं करने वाले लाभों का भौतिक सत्यापन, दाल भात केंद्र के लाभों को दाल भात ऐप के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है। दूसरी ओर रांची में 3 फरवरी को प्रभात पर ऑटो शो का आगाज होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे आकर्षण का केंद्र। बचले कि 3 फरवरी से यानी कि आज से राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में 3 दिवसीय प्रभात पर ऑटो शो का आगाज हो रहा है। ऑटो शो का थीम ड्राइविंग द फ्यूचर, उद्घाटन सुबह 11 बजे श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा करेंगे। यह शो लोगों के लिए देर रात 9 बजे तक का रहेगा।
जिसे हम लोग विभिन्न ब्रांड और मॉडल के टू और फोर व्हीलर की जानकारी ले सकते हैं। विभिन्न स्टॉल पर मल्टी ब्रांड की गाड़ियां होंगी, इसके फीचर के साथ बुकिंग की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबरगन की आ रही है सांसद खेल महोत्सव को लेकर के। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी व पीटी ऊषा को सांसद संजय सेठ ने किया आमंत्रित। बता कि झारखंड की राजधानी में 17, 18 और 19 फरवरी को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद श्री सेठ ने इनसे खेल महोत्सव के उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल होने का आग्रह किया है। श्री सेठ ने राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद की ऊषा, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणित और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉन बरला से भी मुलाकात की और आमंत्रित किया। वहीं दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे से पहले रांची आ रहे आरजेडी प्रभारी जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव एवं बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक 3 फरवरी यानी कि आज रांची आ रहे हैं। वे राजद कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के झारखंड दौरे पर रांची आगमन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक प्रदेश राजस्व कार्यालय में दोपहर 1 बजे से होगी। तो दूसरी ओर कल 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं देवघर। CRPF ने कार्यस्थल को कब्जे में ले लिया है। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी 2023 को देवघर आ रहे हैं। उनकी कार्यक्रम की तैयारी प्रस्तानिक तथा भाजपा के स्तर से पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वे सबसे पहले बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे से जस्टिस इंडस्ट्रियल एरिया में इफो के नैनो यूरिया खाद का कारखाना का शिलान्यास व 1:30 बजे से भाजपा की विजय सकल महारैली में शामिल होंगे। तो दूसरी ओर धर्मपाद अग्निकांड में 3 लोगों के सुलझने और 11 के दम घुटने से हुई थी मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। धनबाद के जुड़ा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर में मंगलवार को 31 जनवरी 2023 की रात हुई आग लगी में 14 लोगों की मौत। मामले में प्राथमिक स्तर की जांच टीम ने गुरुवार को घटनास्थल की जांच शुरू की। FSL की टीम लगातार दूसरे दिन भी घटनास्थल पर जांच करती रही और सैंपल लिया। घटना के दिन और समय का CCTV फुटेज देखने के लिए वहां का DVR जब्त किया गया। इधर जांच को लेकर अपार्टमेंट के दूसरे टावर को दूसरे दिन भी फ्री नहीं किया गया। लोगों को अंदर जाने की भी अनुमति नहीं है। इस वजह से टावर 2 में रहने वाले लोगों ने परिजनों का रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रहा है। हालांकि बुधवार को पहले टावर को जांच के बाद मुक्त करते हुए उसमें रहने वालों को वहां रहने की अनुमति दे दी और उनमें से अधिकांश अब भी वहां रहने नहीं गए हैं। दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 3 लोगों के परिजनों और 11 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह और टापरों को डिग्री देकर राज्यपाल रमेश बैस ने दिए सफलता के मंत्र। बचले के झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी सीखने में संकोच नहीं करें, दूसरे के श्रेष्ठ गुणों का अनुकरण करें, अच्छे मार्ग पर चलें, यही एक उत्तम और सफल विद्यार्थी के लक्षण है। सीखने की कमी कोई उम्र या सीमा नहीं होती है। जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने की भूख सदैव बनी रहनी चाहिए। आप लोग नई नई ऊंचाइयों को हासिल करें। टॉपरों को डिग्री प्रदान कर उन्होंने सफलता के मन दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1981 में स्थापित यह संस्थान देश के टॉप 20 या टॉप 30 में क्यों नहीं आ पाया है, इस मंथन पर करने की ज़रूरत है। तो वहीं दूसरी ओर रांची में मेन रोड दंगा मामले में 11 लोगों पर मुकदमा चलाने की DC ने मांगी अनुमति। बदल झारखंड की राजधानी रांची में पिछले साल हुए दंगा मामले में 11 लोगों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार से मांगी गई है। CID ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 11 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने के साक्ष्य मिले हैं। इन सभी लोगों पर धार्मिक उपद्रव फैलाने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं। इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। तो वहीं आपको चले कि राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को क्यों बुलाया राजभवन। चले कि राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से कहा कि वे ऐसा विधेयक लाएं जो जनहित वाला हो, साथ ही इसमें दिए जा रहे प्रावधान से लोगों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़े।
श्री वैश्य ने उक्त बातें झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुपधन विवरण विधेयक 2022 में नीतिगत प्रावधानों पर चर्चा के दौरान कही। उन्होंने विधेयक में कई बिंदुओं पर मंत्री बादल व विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी का ध्यान आकृष्ट कराया। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, केंद्र सरकार का जोर, आदिम जनजातियों के लिए शुरू होगा PM PPDTG विकास मिशन। 3 साल में इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए PM PPDG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह घोषणा की है। बता दें कि 20,000 से ज़्यादा शिशु गणना आज होगी पूरी। लगाए गए हैं 400 शिक्षक। प्रखंड भर के 129 सरकारी विद्यालय शिक्षकों द्वारा पिछले 20 जनवरी से शिशु गणना कार्य किया जा रहा है, जो 2 फरवरी तक किया जाएगा। इस शिशु गणना में विद्यालय के शोषक क्षेत्र के शिक्षक गली मोहल्ले के घर घर तक पहुंचकर बच्चों के अभिभावकों बच्चों का आधार कार्ड संख्या संकलित कर बच्चों की वास्तविक संख्या का गणना करने में प्रखंड के 105 सरकारी शिक्षकों के साथ 368 पारा सहायक अध्यापक आवश्यकतानुसार टीम गठित कर लगाए गए हैं। लगभग 400 शिक्षक लगाए गए हैं। बचले की राज्य ने केंद्र की 5 कंपनियों से 150 करोड़ दवा बहुत अधिक रेट पर खरीदी। बचने के विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर विगत 3 वर्षों में ऊंची दर पर दवा की खरीद होने का आरोप लगाया है। बचले की एक संवाददाता सम्मेलन में कहा गया कि निविदा में दवा की खरीद के लिए जो न्यूनतम दर आई थी उसकी काफ़ी अधिक दर पर केंद्र की 5 कंपनियों से दवा की खरीद की गई। इससे राज्य सरकार के खजाने को 150 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है। तो वहीं दूसरी ओर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सहिया के मांगों पर विचार का आश्वासन मिला, हड़ताल खत्म कर दिया गया है। 4 सूत्रीय मांग को लेकर रेफेयर अस्पताल में अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठी 185 सहियाओं ने 9वें दिन आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। राज्य प्रशिक्षण दल के रमाकांत सिंह जिला कार्यालय समन्वय अड़ीवित आनंद व सहिया संघ जिलाध्यक्ष सायदा खातून बुधवार को हड़ताल पर बैठी सहियाओं से मिलने रेफरल अस्पताल परिसर पहुंची। अब मौके पर जिला कार्यक्रम समन्वय ने सहियाओं को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 4 सूत्रीय मांग को CS के माध्यम से राज्य सरकार तक भेजी गई है। इस पर विभाग व सरकार द्वारा सकारात्मक पहल की जा रही है। फिलहाल खबर दोस्तों बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी, उम्मीद है खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।